ठीक ना बाकी का केहू ना कही तुमके कबहू सुहागिनी को सुनुरा बिना तुम हंसोगे तड़पने तुम्हें।
विद्वतापूर्ण गायकी है, वो आपके सिवा किसी को आती नहीं है। अरे इतना मेहनत किया इन लड़कों ने और बहुत अच्छा गा रही, लेकिन हमने के ठेठ भोजपुरी में बंगला में उड़ेला अबीर बाबू कुंवर सिंह से गवा बहादुर एक में फिर रगड़ दिया। एकरा बाद अंकुश राजा के मीठ आवाज में भाई बुटाई भैया दिलिंग करे टेंट बाप रे बाप धनी है धनी है नया वो तनी ले लीजिए आशीर्वाद ले लीजिए हाँ अनुपमा तनी आशीर्वाद ले लो। इसके बाद राजा बाबू तहार तक गंगा नहले 500 कतनत मिलियन गई रहे। तो मेरी इच्छा है कि खांटी माटी में बलवंत बाबू जो फगुआ ओरिजिनल बा अभी तो ये असली वाला गया ही नहीं मुलाकात इतना अच्छा इस तरन्नुम मारी है अनुपमा क्या कहना है लेकिन असली वाला यानी असली वाला बबुआ तू गायक के बाद हीरो भी बड़ा तो अनुपमा के साथ एक्टिंग नहीं हुआ डुएट गीतों में तो फिर क्या हुआ भोजपुरी में वो चाहिए था एक फीलिंग्स हो जाएगा। इसलिए हार तब होती है सुनना बजरंगी भैया हार तब होती है जब मान लिया जाता है। दया भैया सुनिएगा माँ तारा चंडी महोत्सव बड़ा अच्छा कराते आप इस बार हमको भी बुलाया कि हार तब होती है जब मान लिया जाता है जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है और जिस शख्स से चाहत हो जाए उसे पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। हम लोग चाहते हैं कि वो असली वाला बाबू आज के दौर की सबसे महंगी सबसे अच्छी गायिका और आज के दौर के चॉकलेटी स्टार युवराज सिंह है दोनों बलवंत बाबू इश्क जब हद से हठवार हो गई तबे न हमारे इंतजार बेकार हो गई जब हमरा के हरियर सिग्नल देले रहू ते पर दूसर गाड़ी कैसे पार हो गई। ये जो कमाल के कलाकार है मैं चाहता हूँ असली भोजपुरी जो माटी वाला भाई एक तो को सुना दो बाबू जी का ये जो देख रहा मैं चाहते हूँ सबसे ज्यादा खुश कब होता हूँ जब इनको मैं देखता हूँ मुस्कुराते हुए और ताली बजाते हुए तब मुझे सैल्यूट करने का अर्थ आता है कि गांव में तो अमरूदों का मौसम है तो इस अमरूद के मौसम में मेरा छोटा भाई कैसे गाएगा डूब करके मर जाने की ताकत भोजपुरी के खाटी माटी के अंदाज में है। अनुपमा असली वाला शुरू कर दो और मेरा राजा गंगा वाला तो 500 मिलियन गया था और आपका तो जो गाती है सब मिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन मिलियन उसके ऊपर भी अंक खोजना पड़ता है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा राजा मेरा अंकुश उस पर अंकुश करे माटी के अंदाज में।